गाइस कैसे आप सब बवाल हो गए, क्योंकि यहाँ पे ना Realme 10 Pro Plus और Nothing Phone 1 आपस में कंपटीशन में आ चुके हैं। कैसे? प्राइस का बहुत सारा फर्क था, बट Realme 10 Pro Plus विद ऑफर्स 24,000 में अवेलेबल है। प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है वैसे तो, बट अगर मैं बात करूँ Nothing Phone 1 की, तो इसका ब्लैक वाला वर्जन जो है 128GB वाला, वो 27,500 में देखने को मिल रहा है फ्लिपकार्ट पे विदाउट एनी ऑफर। तो अब दोनों में कंफ्यूजन बनेगी कौन सा वाला फोन लेना चाहिए, तो चलो वो वाली कंफ्यूजन को दूर करते हैं। और ये बताने के लिए कि हाँ Realme 10 Pro Plus मैं यूज कर रहा हूँ और अपना यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, तो देखो ये वाला Realme 10 Pro Plus ही है जिससे मैं अभी शूट कर रहा हूँ, शायद आपको दिख गया होगा। सो दिस इज द प्रूफ। और एक और चीज आपको समझ में आ रही होगी, अगर आपको स्टूडियो में बैठी या किसी भी तरीके से सेल्फी से वीडियो बनानी हो तो ऐसे बनती है। तो स्टार्ट करते हैं दोनों का कंपैरिजन। देखो Realme का 10 Pro Plus जो है ना, अगर मैं बात करूं डिजाइन की, तो ओवरऑल एक काफी फ्रेश लुक के साथ आया है। बैक पैनल को देखोगे, कैमरा मॉड्यूल को देखोगे, तो Realme ने कुछ नया बनाने की कोशिश की है। इस बार यहाँ पे ग्लास बैक नहीं है, पॉलीकार्बोनेट है, बट ये मैटे के साथ आ रहा है। बट यार मैं एक चीज बोलूंगा, इन्होंने फील काफी अच्छी दी है। बैक पैनल के ऊपर हाथ लगाओगे तो आपको बिल्कुल भी पता ही नहीं चलेगा कि ये ग्लास बैक नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल फील जो है वो ग्लास बैक ही देता है और बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है ये हाथ में पकड़ के। इवन की एक और चीज की, ये पीछे से थोड़ा सा कर्व्ड है, और साथ ही में अगर मैं बात करूं ये फ्रंट से भी कर्व्ड है, ये इसकी स्पेशलिटी है। 25,000 के अंदर Realme ने कर्व्ड डिस्प्ले दे दी है। अब इसके होते हुए जो फ्रेम है ना वो बहुत ज्यादा पतला हो चुका है, बट जो फ्रेम है वो भी हमें पॉलीकार्बोनेट ही देखने को मिलता है। अब यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे जो हमारे पास दोनों साइड से कर्व्ड है, इसका होल्ड काफी ज्यादा कंफर्टेबल और काफी ज्यादा अच्छा बन जाता है। बट यहां पर अगर मैं इसको कंपेयर करूं Nothing Phone 1 से, तो Nothing Phone 1 की बिल्ड क्वालिटी जो है वो एकदम एक्सट्रीम लेवल की है, वो एकदम फ्लैगशिप लेवल की है। आपको ग्लास बैक पीछे देखने को मिल जाता है, एल्युमिनियम का फ्रेम मिलता है, तो यानी कि ग्लास सैंडविच डिजाइन प्लस एल्युमिनियम का फ्रेम। इतना नहीं, इसमें भी एक खासियत है, जैसे कि Realme 25,000 में इकलौता होगा जो कर्व डिस्प्ले दे रहा है, तो Nothing Phone 1 पूरी एंड्रॉइड इंडस्ट्री में एक लौता है जो कि पूरे फोन के ऊपर लाइट्स लगा के देता है। जी हाँ, इसको ग्लिफ लाइट बोलते हैं। पीछे की साइड आपको पता ही है, ये पूरा जगमगा देता है, दिवाली वाली फीलिंग्स दे देता है। दिवाली में आपको जगाओ ना जगाओ अपना फोन ही जगा सकते हो। नोटिफिकेशंस की यहाँ पे लाइट जगती है, कैमरा फिल लाइट जगती है, चार्जिंग की अलग जगती है, और इसको आप पूरा डांस भी करवा सकते हो। आपकी रिंगटोन्स के ऊपर ये पूरा ऊपर डांस भी बजाती है, बीट बजाती है। सो ये काफी एक अलग लुक है जो Nothing ने प्रोवाइड की थी। मैं ऑलमोस्ट एक चीज बोल सकता हूँ कि रियल और Nothing दोनों ने एक नई चीज करने की कोशिश करी, और यहां पे ये दोनों काफी ज्यादा यूनिक लगते हैं डिजाइन और लुक्स के मामले में। अब यहां पे आपके पर्सनल चॉइस आती है, आपको क्या चूज करना है। मुझे दोनों ही काफी अच्छे लगते हैं। बट एक चीज जो कि Nothing ने सर्टिफाई किया था कि हमारा फोन जो है वो IP53 है, तो स्प्लैश वगैरह पड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बट यहां पे जैसे कि मैंने बोला, जो फ्रेम है वो बहुत ज्यादा पतला है Realme का। ये फोन सच में काफी पतला है, 7.78mm का फोन है, और Nothing जो है वो 8.3mm का है, और साथ में वेट में भी फर्क है भाई साहब। बहुत ज्यादा हल्का है Realme का फोन, 173 ग्राम्स का, और अगर मैं बात करूं Nothing की, तो ये 193 ग्राम्स का है, पूरे 20 ग्राम का फर्क है। ना चलो बात करते हैं अभी डिस्प्ले के बारे में। देखो कर्व्ड एंड फ्लैट को तो हमने डिस्कस कर ही लिया। Nothing हमें फ्लैट डिस्प्ले देता है, 120 हर्ट्ज की देता है, 10 बिट का पैनल देता है, और यहाँ पे ये जो डिस्प्ले काफी ज्यादा अच्छी है और बहुत ज्यादा स्मूथ वर्क करता है 120 हर्ट्ज, जो कि कमाल की बात है। यहाँ पे सिर्फ आपको 700 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है, बट ऑलमोस्ट एक चीज बोलूंगा, इसकी डिस्प्ले की जो क्वालिटी है ना, जो कलर्स प्रोड्यूस करता है वो काफी ज्यादा अमेजिंग है। एक चीज और कि इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5G प्रोटेक्शन में मिलती है, विच इज वेरी गुड, और जो पंच होल है वो हमें लेफ्ट साइड पे देखने को मिलता है। अब बात करें Realme की, तो पंच होल जो है वो तो सेंटर में मिलता है ये, बट जो इसकी डिस्प्ले है वो भी कर्व्ड मिलती है, और कर्व्ड हमें पुराने टाइप की नहीं मिलती, जैसे कि आज के नए के फोन्स होते हैं फ्लैगशिप फोन्स में कर्व्ड डिस्प्ले आती है, बिल्कुल वैसे ही देखने को मिलती है। बट यहाँ पे प्रोटेक्शन जो है वो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की नहीं है। यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये डुअल एनफोर्स्ड एक बढ़िया टफन ग्लास लगा दिया है, तो यहाँ पे हमें एक्जैक्टली नहीं पता है कि कौन सी प्रोटेक्शन को यूज किया गया। प्लस ये भी 120 हर्ट्ज का ही एमोलेड डिस्प्ले है, काफी अच्छे कलर्स को प्रोड्यूस करता है। मैं यूज कर रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है यहाँ पे डिस्प्ले में, यहाँ पे मीडिया कंटेंट को यूज करते हुए। बट एक चीज बोलना चाहूंगा, 120 हर्ट्ज कभी कभी यहाँ पे ग्लिची हो जाता है, और ऐसे ऐसा लगता है कि ये 60 हर्ट्ज पे फोन काम कर रहा है UI के अंदर भी, और इवन की और भी जगह पे मैं स्क्रोल करते हुए इस चीज को नोट कर पाया हूँ। तो आई थिंक एक अपडेट की जरूरत है, और ये फोन जो है वो और ज्यादा स्मूथ हो पाएगा। बाकी Realme ने एक चीज नहीं ऐड 2160 हर्ट्ज की यहाँ पे PWM डिमिंग मिलती है, जो कि आपकी आईज को स्ट्रेस कम देता है। तो अगर आप ऐसे बंदे हो जिनको एमोलेड फोन से यहाँ पे सिर दुखता है, स्ट्रेस में रहता है, तो आपको ये वाला फोन काफी सही रहेगा। दोनों फोन में यहाँ पे पावर की बिल्कुल भी कमी देखने को नहीं मिलती है।
Realme ने हमें यहाँ पे MediaTek का नया प्रोसेसर लगा के दिया है, जो कि है Dimensity 1080, जो कि एक काफी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर निकल कर आता है। बट अगर मैं बात करूं इन रियलिटी, मैं यहाँ पे Apex Legends बहुत ज्यादा खेलता हूँ और इस प्रोसेसर के साथ अभी तक इस फोन में मेरे को 60fps की गेमिंग नहीं मिली है। 50fps तक यहाँ पे सीमित किया गया है, 60fps नहीं मिल रहा। तो लेट्स सी यहाँ पे इन फ्यूचर अपडेट के साथ ये किया जाता है या फिर नहीं किया जाता। वहीं अगर मैं बात करूं नथिंग फोन 1 की, तो स्नैपड्रैगन 778G प्लस देखने को मिलते हैं। ये भी काफी ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर है, इसके अंदर गेमिंग एकदम से बढ़िया 60fps की हो जाती है। 1080 और यहाँ पे स्नैपड्रैगन 778G प्लस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा इन रियलिटी। अगर आप नॉर्मल टास्क की बात करोगे, जनरल यूजेज में, सोशल मीडिया टास्क करने में बहुत ज्यादा गैप नहीं आएगा। बट जितना मैंने रिपोर्ट्स में देखा था, अगर आप स्पीड टेस्ट के बारे में बात करो, तो नथिंग फोन 1 में जल्दी यहाँ पे ऐप्स खुल जाती है। अब इसका एक और कारण है, हमें Realme प्रोवाइड कर रहा है LPDDR4X और UFS 2.2, विच इज वेरी गुड। बट यहाँ पर अगर मैं कंपेयर करूँ नथिंग फोन 1 से, तो यहाँ पर ये फोन महंगा आया था, तो हमें चीजें भी एक्स्ट्रा मिलती है, जैसे कि LPDDR5 देखने को मिल जाता है, UFS 3.1 देखने को मिल जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे फर्क पड़ता है ऐप्स को ओपन करने के लिए। और हाँ, कहीं ना कहीं नथिंग फोन 1 थोड़ा सा फास्टर फोन है, अभी प्राइस थोड़ा कम आ गया है, तो इसीलिए कंपैरिजन हो रहा है, नहीं तो इसका कंपैरिजन बनता ही नहीं था, क्योंकि ये थोड़ा सा अपर लेवल का स्मार्टफोन है। नाउ बात करते हैं कैमरास की, तो जितना मैं 10 Pro Plus को यूज कर रहा हूं, इसमें पहली बात तो जो मॉड्यूल लगा है वो है 108+8+2 मेगापिक्सल का कैमरा। अभी जितने मैंने फोटोज क्लिक करी है यहां पे 108 मेगापिक्सल से, मुझे काफी ज्यादा सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स मिल रहे हैं। इवन की सेल्फी में भी काफी अच्छा HDR मोड यहां पे काम कर देता है और बहुत ही अच्छी फोटोज निकाल के दे देता है। मैंने Realme 10 Pro Plus को भी 9 Pro Plus के साथ भी कंपेयर कर रहा हूं, जल्दी उसकी वीडियो भी मिल जाएगी। बट अभी के लिए अगर मैं बात करूं, इसका जो कैमरा है मुझे काफी ज्यादा इंप्रेस भी कर रहा है, और काफी सारी जगह ऐसी भी है जहां पे मेरे को थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि यार मजा नहीं आ रहा, वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे। बट उससे पहले नथिंग फोन 1 में आपको 50+50 मेगापिक्सल के दो कैमरा मिलते हैं। मुझे लगता है कैमरा डिपार्टमेंट में इस चीज को लेके ज्यादा अच्छा काम नथिंग ने किया। Realme ने 108 मेगापिक्सल तो दे दिया, बाकी 8+2 वही रोना, मतलब वही वाले कैमरास। बट अगर नथिंग के बारे में बात करूं, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 50 मेगापिक्सल का जबरदस्त वाला अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल जाता है, प्रैक्टिकलिटी ज्यादा देखने को मिलती है। एक और चीज, नथिंग फोन अगर आप ऑन करते हो तो OIS देखने को मिल जाता है। नाउ यहां पे ही मैं आपको बोल रहा था कि Realme लैग करता है। OIS चाहे नहीं है, बट EIS का सपोर्ट दिया गया है, आप ऑन ऑफ कर सकते हो टॉगल के साथ। बट EIS ऑन करने के बाद भी मेरे को उस लेवल की स्टेबिलाईजेशन नहीं मिलती है, प्लस वीडियोस के अंदर स्टटर्स देखे हैं मैंने, तो यहां पे अपडेट मांगता है भाई साहब। बट अगर मैं बात करूं नथिंग फोन 1 की, तो OIS काफी अच्छा हेल्प कर देता है, वीडियोस काफी स्टेबल बनती है अगर आप वीडियोस करते हो ज्यादा रिकॉर्ड। इवन की बोलूंगा फोटोग्राफी में भी नथिंग फोन 1 के यहाँ पे बेटर रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। हाँ जी, नथिंग फोन 1 में बेटर है कैमरास, Realme 10 Pro Plus में खराब कहीं से भी नहीं है, काफी अच्छे रिजल्ट्स मेरे को मिल रहे हैं। मैं इनके और टेस्ट कर रहा हूँ, आपको कंपैरिजन वीडियोस मिल जाएंगी। बट यहाँ पे मैं एक चीज बोलूंगा कि नथिंग फोन 1 में बेटर है, प्राइस भी ज्यादा था, उस हिसाब से मैं देखूंगा। बट अभी प्राइस कम हो रहा है, मैं उस हिसाब से जज कर रहा हूँ, तो दोनों का कंपैरिजन बनता है। दोनों में स्टीरियो स्पीकर्स हैं, दोनों के काफी ज्यादा लाउड है। Realme के स्पीकर्स मैं काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, क्रिस्टल क्लियर ऑडियो आती है। सेम विद द नथिंग फोन 1, नथिंग इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं है, मेरे को दोनों में काफी मजा आया। और हाँ, दोनों में हेडफोन जैक नहीं है, तो दुखी होने के बाद ये रिकॉर्ड फर्क आपको बताता हूँ। नथिंग फोन में 4500mAh की बैटरी मिलती है, डिसेंट बैटरी, काफी अच्छा बैकअप हमें देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे बट 33 वॉट का चार्जर का सपोर्ट है, जो कि थोड़ा सा स्लो लगता है आज के टाइम में, और वो भी इतना सारा पैसा देने के बाद। बट Realme में 5000mAh की बैटरी थोड़ी सी बड़ी है, टेस्ट कर रहा हूँ अभी, बैटरी बैकअप काफी अच्छा है इसका, बट एकदम से बताऊंगा आपको कितना है कितना नहीं वो तो अपने रिव्यू के अंदर। बट यहाँ पर एक चीज की 67 वॉट की चार्जिंग का सपोर्ट है, जो कि बहुत ज्यादा फास्ट है, ऑलमोस्ट डबल है नथिंग से। बट 80 वॉट का चार्जर साथ में दिखने को मिलता है बॉक्स के अंदर, 80 वॉट चार्जिंग के सपोर्ट दे देते और मजा आता है। बट नथिंग फोन 1 में आपको चार्जर साथ में मिलता ही नहीं है, आपको सेपरेट परचेस करना पड़ेगा। तो देखो अल्टीमेटली यहाँ पर अगर मैं बात करूं, मेरे को एक चूज करना हो, तो मैं डेफिनेटली दो चीजें बोलूंगा। यार पहली बात तो जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर आप एमोलेड यूज करना चाहते हो बट आपको स्ट्रेस होता है आंखों के ऊपर, तो मुझे लगता है Realme ने वो जो 2160Hz की यहाँ पे दी है ना PWM डिमिंग, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, यहाँ पे आपको स्ट्रेस कम होगा। सेकेंड चीज, कर्व्ड डिस्प्ले, कर्व्ड डिस्प्ले हमें सस्ते में नहीं जल्दी देखने को मिलती, एंड बहुत तगड़ी डिस्प्ले लग रही है मेरे को इस फोन की, मुझे यूज करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। और जो लोग बोल रहे हैं कि कर्व्ड डिस्प्ले यूज करना मुश्किल होता है, ये होता है वो होता है, मेरे को इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही। मैंने इससे पहले Xiaomi का 12 Pro भी यूज किया है कर्व्ड वाला, उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, सेम विद दिस फोन।
एंड आपको कैमरास काफी डिसेंट लग रहे हैं अभी तक मेरे को, इसकी परफॉर्मेंस काफी डिसेंट है अभी तक। बट एक और चीज यार, इसकी ना मैं यूआई के बारे में बोलना चाहूंगा। रियलमी 3.0 तक भी ना यूआई काफी तगड़ी लग रही थी मेरे को, बट 4.0 में एंटर करते ही एंड्रॉइड 13 के साथ इसमें मुझे काफी सारे बग्स दिख रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला 120 हर्ट्ज कई बार काम करना बंद कर रही है, वो एकदम से आ जाती है ऑटो के ऊपर या कह सकते हो 60 हर्ट्ज के ऊपर, वहां पे थोड़ा सा मेरे को इतना स्मूथनेस नहीं लगती है। प्लस यहां पर हमारे को हॉट गेम्स और हॉट एप्स का आपको सीन तो पता ही है, इनका ब्लॉटवेयर भी काफी बढ़ गया है, तो यहां पे यूआई में वर्क करने वाला काम अभी बचा हुआ है रियलमी के लिए। बट अगर मैं बात करूं नथिंग फोन 1 में, जब ये फोन आया था बहुत सारे बग्स थे, बट आज के टाइम पे इन बग्स को काफी ज्यादा खत्म कर दिया हुआ है। नथिंग फोन 1 बहुत ज्यादा स्टेबल है, बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहा है। और इवन की हमारे यहाँ पे काल पी भैया ने बोला था कि हम जल्द ही इसके ऊपर एंड्रॉइड 13 ला रहे हैं और एंड्रॉइड 13 बटरी स्मूथ होगा। अभी के लिए एंड्रॉइड 12 पे चल रहा है, रियलमी एंड्रॉइड 13 पे आ चुका है, बट एंड्रॉइड 13 काल पी ने बोला है बहुत स्मूथ होने वाला है। सो यहाँ पे मैं काउंट कर रहा हूँ, और इवन दोनों सॉफ्टवेयर जो है ना क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड है, बट राइट नाउ मैं कह सकता हूँ नथिंग ओएस थोड़ा ज्यादा पॉलिश्ड है। कर आगे मेरे को अगर एक फोन चूज करना होगा तो मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे इसकी कर्व डिस्प्ले बहुत अच्छी लग रही है, बट नथिंग फोन 1 का परफॉर्मेंस एंड कैमरा थोड़ा ज्यादा अच्छा है। आपको मुझे कमेंट्स में बताना है आपको क्या चीज ज्यादा बढ़िया लग रही है। ऑलमोस्ट वैसे तो मैं जल्दी रिव्यू देने वाला हूं इस फोन का, उसके लिए आप वेट कर सकते हैं। 9 Pro Plus के साथ जल्दी कैमरा कंपैरिजन आ रहा है, सब्सक्राइब करके रखें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए की स्माइलिंग एंड ऑलवेज टेक केयर गाइस, लव यू, बाय बाय।